तो रिसेंटली एक फैमिली मेंबर हमारे जीवन में ऐड हुआ है जिसका नाम है विली। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? वैसे ये मेरी लाइफ में चौथा पेट है क्योंकि पहला था जैकी, दूसरा था रोमी, तीसरा था टफी, TUFF वाला नहीं, TOUGH वाला टफी, और अब ये है चौथा विली। तो ये वीडियो होने वाली यहाँ के पेट कल्चर के बारे में, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं और थोड़े से डार्क साइड्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे रोड पे ना आपको स्ट्रे एनिमल्स बिल्कुल नहीं दिखते हैं, और वो क्यों है वो भी बताता हूँ इस वीडियो में। लेकिन इन सबसे पहले कराते हैं जनाब का आपसे परिचय। तू मेरा नाम है विली और मेरा ये नाम कैसे पड़ा ये पांडे बताएगा। तो टीना का फेवरेट एनिमल है किलर वेल, और महाराज के नए नक्श मिलते हैं किलर वेल से, और किलर वेल के ऊपर एक फेवरेट मूवी है टीना की, वो है फ्री विली। फ्री विली जिसमें वेल का नाम था विली, तो इस वजह से नाम पड़ा इसका विली। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो भाई हमारे नाबालिग हैं, कुछ 4 महीने के, शक्ल से एकदम शांत, लेकिन इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, इसकी ब्रीड की बात करें तो इस ब्रीड का नाम है बॉस्टन टीरियर, और ये क्रॉस ब्रीड है इंग्लिश बुलडॉग और इंग्लिश टीरियर की, और ये लगभग मीडियम साइज के डॉग में मान सकते हैं, लगभग 12 किलो तक जाते हैं ये, और अभी तो ये 4 किलो का ही है तो बहुत छोटा लग रहा होगा। तो लोग यहाँ जो पेट लेते हैं वो ऑथराइज पेट शॉप से लेते हैं, क्योंकि ये लोग लीगल ब्रीडिंग कराते हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और यहाँ आपको कैट और डॉग दोनों ही मिल जाते हैं। इनका प्राइस 1 लाख से शुरू होता है और तेरी कितनी औकात है वहाँ तक जाता है, और ये सारे प्राइस डिपेंड करते हैं डॉग की ब्रीड पे और उनकी एज क्या है। जितना यंग पपी होगा उतना महंगा प्राइस होगा। जैसे फ्रेंच बुलडॉग है 7 लाख का, और ये टॉय पुडल है आपका साला 30 लाख का। मैं खुद को भेज दूँ इतने में तो। अच्छा, जापान में जो पेट्स होते हैं अक्सर वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे एक्चुअली घर बहुत छोटे हैं, और छोटे घर हैं तो उसमें बड़े पेट कैसे रखोगे, और गार्डन वार्डन होते नहीं है, घुमाने का इतना स्पेस नहीं होता है, तो बड़े डॉग वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे बड़े घर हों। और हाँ, जब यहाँ पे डॉग लेने जाते हो तब एक क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपके घर में पेट्स अलाउ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कि हर घर में पेट अलाउ हो। आपको लैंडलॉर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर घर में रूल में लिखा होता है कि किस घर में पेट अलाउ है। वो लोग शॉप पे पूछ लेते हैं कि आपका घर कितना बड़ा है और वहाँ पे पेट अलाउ है कि नहीं। अब आपने औकात अनुसार पेट तो ले लिया, अब उसके आगे की प्रोसेस क्या है? तो जब भी आप पेट लेते हो आपका उसका इंश्योरेंस कराना होता है और एक हेल्थ कार्ड बनता है। अच्छा, वैक्सीन को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डेट ऑफ बर्थ के 90 दिन बाद आपको इनकी वैक्सीन लगवानी होती है, और वो रेबीज़ की वैक्सीन होती है। तो रेबीज़ की वैक्सीन लगवाने के बाद आपको गवर्नमेंट में इनके नाम पर वो रजिस्टर करानी पड़ती है कि हमारा जो पेट है ये रेबीज़ का इंजेक्शन इसे लग चुका है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक आप नॉर्मल पार्क्स में अलाउ नहीं हो, पब्लिक एरिया में अपना डॉग लेके नहीं जा सकते, और अगर आप लेके जाते हो तो आपको वो रेबीज़ का ना सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा, वरना आप एंटर नहीं करे जाओगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनमें ना एक माइक्रोचिप लगी होती है। जब मैंने सुना तो मेरे तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो सारा चिप लगी हुई है कुत्ते में, बिल्कुल रोबोको बना दिया। तो उसका क्या सीन है कि इनके चिप लगी होती है, उसमें एक नंबर होता है, यूनिक नंबर। अब वो स्कैनर से स्कैन करते हैं, बहुत पेनफुल तरीका नहीं होता, बहुत छोटी सी चिप होती है, बहुत सारी कंट्रीज में ये चीज़ यूज़ होती है। तो वो जैसे स्कैन करेंगे उसको एक नंबर दिखाएगा, और वो नंबर गवर्नमेंट पर रजिस्टर होता है मेरे नाम से और मेरे एड्रेस के नाम से। अगर ये इन फ्यूचर कभी खोता है या इसको कोई चोरी करता है तो जो इम्प्लांटेड चिप है उसको वो लोग स्कैन करते हैं एनिमल एजेंसी वाले, और मेरा नाम और मेरा एड्रेस वहाँ पे लोकेटेड होगा तो मेरा पेट मुझे रिकवर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फंक्शन फीचर जो भी कह लो वो लगा था। तो एक्चुअली जब हम इसको लाए थे तब ये था कुछ 1 महीने का, बहुत छोटा था और कुछ 900 ग्राम का था, अभी तो ये 4 किलो का हो गया है। और जब इनको हमें दिया गया था तो उन्होंने सप्लीमेंट दिए थे, एक बोन्स के लिए था, एक स्टमक के लिए था, एक और स्किन के लिए था। तो ये दिया जाता है और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ना अभी ये 4 महीने का है और 4 kg का है, तो इसकी मील है 170 ग्राम। अब कई लोग शायद ज्ञानी कमेंट करेंगे यूट्यूब पे कि हमारा कुत्ता तो कुछ भी खा लेता है और करी वरी सब खा लेता है। तो हर डॉग की ना एक अलग, हर ब्रीड की एक अलग एलर्जी होती है। अब इंडिया के डॉग हैं वो तो कई सालों से इंडिया में रह रहे हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम हिसाब से बन चुका है। ये एक अमेरिकन डॉग है और जापान में रह रहा है, तो इनकी डाइटरी चॉइस अलग होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। अब जैसे इंसान की तो एलर्जी आप भाप सकते हो ना, इचिंग है, पेन है, क्या है, ये कैसे बताएंगे। तो इसलिए उन्होंने हमें पहले से इसकी सारी एलर्जी और इसके फूड वगैरह सारा बता रखा है। अच्छा, इनके ट्रांसपोर्ट के भी अलग रूल हैं। जैसे इसको हम गाड़ी या टैक्सी या ट्रेन में लेके नहीं जा सकते, ऐसे ही लेके नहीं जा सकते। उसके लिए है क्या, ये है ना, ये बॉक्स। तो ये बॉक्स है, इसमें डालो इसको, ये आ गया।
इसको लग रहा है नहीं जाने वाले हैं। इसको ट्रेन में लेके जाना होता है और यहाँ पे ट्रेन में अलग से पेट की टिकट लगती है, तो उस पर बस एक स्लिप लगा देंगे। बहुत सस्ती सी टिकट होती है, ऐसी होती नहीं है, बस सिक्योरिटी के लिए कि हाँ इस बंदे के पास पेट है, तो जिसको डॉग से एलर्जी हो वो थोड़ा सिक्योर हो जाए। कुछ कहना है तुमको? अब आते हैं यहाँ के थोड़े नेगेटिव साइड्स पे। तो है क्या वर्ल्ड में अगर तुम देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा जानवर कहाँ पे स्लॉटर किए जाते हैं, मतलब कैट एंड डॉग्स की कैटेगरी में, तो वो सबसे ज़्यादा जापान में होते हैं। मतलब जापान का नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई है बाकी कंट्रीज से। मैं यहाँ पे एक ग्राफ डालूंगा, तो यूके सिंगापुर किसी से भी कंपेयर करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है 2020 तक की जो नंबर्स हैं। और वो नंबर्स बढ़े क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे दो लॉ हैं, एक रेबीज प्रिवेंशन लॉ है और दूसरा है एनिमल प्रोटेक्शन लॉ। तो पहले लॉ के हिसाब से है कि जो भी रोड पे स्ट्रे एनिमल्स होंगे ना, डॉग या कैट हो गए, अगर वो स्ट्रे एनिमल्स हैं तो उनको गवर्नमेंट उनको कैप्चर करेगी और उनको एक जगह रख देगी। और दूसरा जो है वो है एनिमल प्रोटेक्शन लॉ। उसमें क्या है कि मान लो जो पेट शॉप्स हो गए या फिर कोई बूढ़े बंदे हो गए, उन्होंने पेट लिया और बाद में होता है ना कि इंडिया में लोग खरीद तो लेते हैं, जापान में भी खरीद लेते हैं, फिर उनसे झेला नहीं जाता पेट, क्योंकि छोटे में तो क्यूट लगते हैं लेकिन बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मान लो प्रेग्नेंट हो गया डॉग, तो वो उनको छोड़ देते हैं। तो इन सारे डॉग्स को क्या होता है कि लॉ के हिसाब से तो उन सबको वहाँ रखना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि टैक्स के पैसे से कितना ही कुछ कर पाओगे, तो उनको एक बॉक्स में डाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से पास करी जाती है और वो सारे जो भी पेट्स हैं उनको मार दिया जाता है। कई जगह तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, कई जगह तो खाना ही बंद कर देते हैं और वो नॉर्मल अपना नेचुरल डेथ भूख से मर जाते हैं। और अगर नेट पे तुम सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारे रेस्क्यू वीडियोस मिलेंगी जापान की, जहाँ पे बंदे गए हैं और उन्होंने एनिमल्स को उस कंडीशन में रेस्क्यू किया ना। मतलब कभी एनिमे से बाहर निकलोगे तो ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म देखना, तुम्हें पता लगेगा कि इतनी डार्क है यहाँ की थोड़ी सी ना एनिमल की हिस्ट्री। तो ये सारे सीन होते हैं। इसके बारे में एक चैनल है आस्क शोगो करके, उसने 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो रिसेंटली कुछ सालों में स्लॉटर के नंबर कम हो रहे हैं। अब ये नंबर कम हो रहे हैं या कम दिखाए जा रहे हैं, ये सच्चाई तो ना जाने कब बाहर आएगी। Why are you so ugly, bro?